जय श्री राधा कृष्ण। पितृपक्ष चल रहे हैं, ये समय पितरों को समर्पित समय होता है। पितृ दोष से मुक्ति पाने का और अपने पितरों को मोक्ष दिलवाने के लिए अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का विशेष महत्व होता है। अगर सही तरीके से नियमों से व्रत करके व्रत का फल अपने पितरों के निमित्त संकल्प के साथ दान कर दिया जाए तो पितरों को सहज ही मुक्ति मिल जाती है और आपको पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम इसी महान फलकारी एकादशी का महत्व और पूजा विधि जानेंगे, साथ ही चर्चा करेंगे कि किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किन विशेष सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करना, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पांचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब चर्चा शुरू करते हैं। अश्विन मास कृष्ण पक्ष पूरी तरह पितरों के लिए समर्पित समय है। पितृ पक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी पितरों के उद्धार के लिहाज से बहुत खास मानी जाती है। इंद्रा एकादशी व्रत करने से हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोचो, अगर कभी कहीं हमारे किसी पितर से जाने अनजाने में कोई महापाप हुआ हो और इस व्रत को करने से उन्हें नरक में सजा नहीं भोगनी पड़ेगी, सोच के देखना। एकादशी व्रत को करने से सभी पाप मिट जाते हैं और पितरों का उद्धार हो जाता है। पितरों का उद्धार होगा तो वो खुश होंगे और हमें भी आशीर्वाद देंगे और इस तरह हमें भी पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार इंद्रा एकादशी बहुत ही फलदायी एकादशी है जो साधक के साथ उसके पितरों को भी फल देती है। इंद्रा एकादशी के दिन व्रत करने से ना केवल पितरों का उद्धार होता है बल्कि नरक भोग रहे पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है। साथ ही साधक जो व्रत कर रहा है उसे भी सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब ये एक एकादशी व्रत हमारे पितर और हमारे परिवार सबको आनंद देने वाली एकादशी है। एक और बात, कई बार क्या होता है कि पितरों का उद्धार ना होने के कारण घर में पितृ दोष लगा रहता है, जिसके कारण हर काम में अड़चने आती रहती है जो हमें पता ही नहीं होती कि ये परेशानियां क्यों हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि आप पर पितृ दोष है तो ऐसे लोगों के लिए ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। विधि विधान से यदि परिवार जन के लिए ये व्रत रखें तो पितरों का उद्धार हो जाता है और साधक को हर तरह के पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी जरूर करें, कुछ दान दक्षिणा भी जरूर दें। इंद्रा एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातना का कभी सामना नहीं करना पड़ता। पद पुराण में तो ये भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाता है तो नर्क में गए हुए पितर भी नर्क से मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। साथ ही साधक को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते वो भी अपने पितरों की शांति और मुक्ति चाहते हैं तो सिर्फ इस एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं और द्वादशी को व्रत का पुण्य यानी व्रत खोलते समय संकल्प के साथ अपने व्रत का पुण्य अपने पितरों को दान दे सकते हैं। अब आपको इंद्रा एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ, कैसी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत का पूर्ण फल तभी मिलेगा जब इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। अपने पहले के वीडियो में भी कहा है जो लोग व्रत नहीं करते वो कम से कम पूजा जरूर करें, व्रत कथा जरूर सुने, इस व्रत का बहुत विशेष फल होता है। अब पूजा विधि बताती हूँ मैं आपको, पूजा विधि थोड़ा स्टेप वाइज बता रही हूँ ताकि आपको डिटेल में पता चल जाए क्या करना है, पर हर एक चीज करना जरूरी नहीं है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो जितना कर सकते हो उतना कर। देखो, हर एकादशी की तरह ही इस व्रत के नियम का पालन भी हम दशमी से करेंगे। अगर आप अपने किसी पितर विशेष के नाम से व्रत कर रहे हो तो फिर दशमी को उनके नाम का श्राद्ध करना, तर्पण करना।
दशमी के दिन साधक स्वयं दिन में एक समय ही भोजन करे। सूर्य ढलने के बाद अन्न खाए, भगवान का ध्यान करते हुए रात को जमीन पर सोए और ब्रह्मचर्य का पालन करे। इंद्रा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ के स्नान आदि के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करे। पूजा की तैयारी करे। सबसे पहले भगवान विष्णु को मन में धारण करके व्रत का संकल्प ले और ये भी बोले कि आप किन के लिए ये व्रत कर रहे हो। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ में जल पुष्प और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें। घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। फिर भगवान की पूजन सामग्री इकट्ठी करके पूजा के लिए बैठे। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। अगर आपके सेवित शिव विग्रह लड्डू गोपाल युगल सरकार राधा कृष्ण या शालग्राम जी तो उनको बढ़िया पंचामृत से स्नान करवाएं, सुंदर बढ़िया श्रृंगार अर्पित करें, उनका बहुत सुंदर अगर हो सके तो पीले वस्त्र धारण करवाएं। इस दिन शालग्राम पूजन का विशेष महत्व होता है, पर यदि आपके घर में शालग्राम जी की सेवा नहीं है तो मंदिर में जाकर उनका विधिवत पूजन जरूर करें। उन्हें फूल फल तुलसी दल धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। एक दिन शालिग्राम जी की पूजा कर उन पर तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल पीले फल पीले मखाने की खीर और तुलसी दल अर्पित करते हैं। याद रखना एकादशी पर तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसी दल पहले से ही तोड़ कर रखें। भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य इत्र पान सुपारी भी अर्पित करें। फिर एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने, आरती करें और भगवान विष्णु से पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। पूजा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप का ध्यान करें। भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ करें। याद रखें एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। अच्छा, एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना, भगवान विष्णु की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी ज़रूर करना और जो भी पूजा में कमी रह गई है, त्रुटि हो गई है, भूलचूक हो गई है, उसकी माफ़ी ज़रूर मांगना। पीपल की पूजा करना, जल अर्पित करके शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना। एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप नाम जाप करना। जैसे अगर आप रोज़ में दोल माला करते हो तो एकादशी वाले दिन कम से कम 4 करो। अगर रोज़ में 16 माला का नियम है तो एकादशी पर 21 या 32 माला ज़रूर करो। याद रखो व्रत रखकर गुस्सा मत करना, झूठ मत बोलना, किसी की निंदा मत करना, चुगली, ये सब करने से व्रत का फल शून्य हो जाता है। एकादशी के दिन पके हुए अन्न का भी दान नहीं किया जाता। एकादशी में श्राद्ध भी नहीं किया जाता। अगर कोई जीव जो एकादशी पर स्वर्गगामी हुआ हो तो एकादशी पर उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसका श्राद्ध द्वादशी को ही करना उत्तम होता है। देखो याद रखो एकादशी पे जो श्राद्ध करता है, जो श्राद्ध का भोजन खाता है और जिसके निमित्त श्राद्ध किया जाता है, तीनों को दोष लगता है। कई लोग कहते हैं कि आप एकादशी पे फलहार खिला दो, बट वो भी उत्तम नहीं होता, हम इसके हक में नहीं है। शाम को आकाश में पितरों के निमित्त दीप दान जरूर करना है, बहुत अच्छा होता है। एक दिन पितरों की याद में एक तुलसी का पौधा घर या मंदिर में भी जरूर लगाना, साथ ही पार्क मंदिर या किसी सार्वजनिक स्थल पर पीपल का पौधा भी लगाना, ये बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दान के बिना कोई व्रत पूर्ण नहीं होता, इसलिए निर्धनों को फल का दान करना, पूरा दिन व्रत रखकर रात को रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करना, भगवान का नाम जाप करना। अगर पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हो तो थोड़ा समय तो जरूरी करना। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूजा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, फिर दान दक्षिणा देना और फिर अपने व्रत का पारण करना, मतलब अपने व्रत को खोल लेना। इंद्रा एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत करना बहुत उत्तम माना गया, पर यदि साधक के लिए निराहार रहना पॉसिबल ना हो तो फिर शाम के समय एक बार फलाहार लिया जा सकता है। एक दिन तिल और गुड़ का दान करना, दान करने के बाद इसका सेवन करना भी बहुत अच्छा कहा गया है। अगर आप चाहो तो तिल भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर बर्फी बना लो, फिर इसका भोग लगा लो, सब में बांटो और शाम के समय फलहार के साथ इसे आप भी ले सकते हो। पर अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो इस प्रसाद को आप अगले दिन सुबह पारण करते हुए लोगे।
अच्छा, किसी एकादशी महत्तम की किताब में हमें ये वृतांत मिलता है कि इंदिरा एकादशी पर गोंद का फलहार लेने से स्त्री योनि से मुक्ति मिलती है, पर पर्सनली हम इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि गोंद को अशुद्ध माना जाता है, जो लड्डू में डलती है गोंद। ऐसा वृतांत देवराज इंद्र की कथा में मिलता है कि ये अशुद्ध होती है और इसी के कारण स्त्रियां मासिक धर्म से भी होती है। ये देवराज इंद्र की कथा है। ये कथा हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर सुनना। उस वीडियो का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पद पुराण के अनुसार सच्चे मन से जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उनके पितरगण भी नर्क से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। उपवास रखने से आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान या हजार वर्षों की तपस्या करने से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, जो वैसे व्रत नहीं करते वो कम से कम इस एकादशी का व्रत जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।